नीतीश जी को भी भ्रम में डालते रहते हैं, और ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, ख्वाबी पुलाव पकाते रहें। भारतीय जनता पार्टी जहां से है वहां से आगे जाएगा। 2024 में किसी को साहस नहीं है नरेंद्र मोदी जी के हाथ पकड़ने का। तेजस्वी बोलते हैं कि ईडी सीबीआई मैंने निवास स्थान में भी अपने अपना कार्यालय खोल सकती है। मैंने सुन का है, इतना सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई है तेजस्वी यादव को? सफाई देना ही कहीं से कहीं लगता है खतरनाक है या कुछ जानकारी होगी। उनके घर में खोलने का ये चीज नहीं है। जब जरूरत जिसके घर पर जाने का पड़ता है वो ईडी सीबीआई जाता है। वो इस देश का बड़ा जांच एजेंसी है और सिस्टम अपना काम करती है। पहले ही से क्यों इतना हरियाए हुए हैं? बीजेपी ने 24 घंटे में जो क्राइम हुआ है उसका लिस्ट तैयार किया, कहा कि जंगल राज की वापसी हो रही है। हो रही है नहीं, हो ही गई है। जब नीतीश कुमार जी ओथ लिए और जिस तरह के उनके कारनामे रहे तो ये लगा कि निसहाय मुख्यमंत्री हो गए हैं। जिसके खनक से राज्य चलता है वो कहीं व्यक्ति के पास किसी परिवार के पास सरेंडरिंग एटीट्यूड में रहता हो तो उसकी मर्यादा और उसके खनक भी समाप्त होते हैं। निसहाय मुख्यमंत्री नीतीश जी को कहते हैं। ये कश्मीर रैली में फिर बिहारी मजदूरों पर हमला हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत की सरकार निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादी घटनाओं पर नजर रखती है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।